उन्नाव में ट्रकों से डीजल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको देखते हुए एसपी उन्नाव ने इसका खुलासा करने के लिए एक टीम बनाई, जिसके बाद स्वाट टीम और उन्नाव सदर कोतवाली प्रभारी दिनेश मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर रविवार को भोर पहर हाईवे पर डीजल चोरों का घेराव कर लिया। इसके बाद चोरों ने भागने की कोशिश में फायरिंग भी की। इस दौरान पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए घेराव कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक केन डीजल, तीन कारें, दो तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने अमित, इरशाद, अनुज नाम के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। सीओसीटी ने बताया कि हाईवे पर वाहनों से डीजल चोरी करने वाले तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों के पास से तीन वाहन, दो तमंचा, नौ जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं आरोपियों से पूछताछ में अन्य साथियों के नाम भी सामने आए, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है। थाना कोतवाली सदर पुलिस व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल की लूट करने वाले तीन अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूछताछ में कुछ अन्य अभियुक्तों की भी संलिप्तता सामने आई हुई है। इनके कब्जे से तीन कार, जिसमें एक इनोवा, एक स्विफ्ट डिजायर और एक फोर्ड है, बरामद की गई है। इनके कब्जे से दो तमंचा, नौ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सबों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।